अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महमूद साजिद और हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें हमने आज पढ़ना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलें अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में सबसे पहले जो वाटर एवेपोरेट होता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ट्रांसपायरेशन होती है वो मोस्टली स्टोमेटा में होती है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। आज पढ़ेंगे वो ट्रांसपायरेशन कैसे होती है स्टोमेटा में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ज़्यादातर जो अपना ओपन करता है अपने आप को, वो डे में करता है। मोस्ट प्लांट्स कीप देयर स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज देम एट नाइट। ये स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्रांसपायरेशन को रेगुलेट करना, किसके ज़रिए, गार्ड सेल्स के ज़रिए। जो स्टोमेटा होता है उसके साथ दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, एक मिनट, एक ये गार्ड सेल्स है, दूसरा ये गार्ड सेल है, ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। उसके बाद क्या होता है कि जब दो गार्ड सेल्स हैं दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जो गार्ड सेल की इनर साइड है, इनर कन्वेक्स साइड है, वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू दी आउटर साइड। जो इनर साइड है वो थिकर होती है एज कम्पेयर टू दी आउटर साइड, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आगे ट्रांसपोर्ट, वो ओपन किस तरह होता है और क्लोज किस तरह होता है। जो ओपन है वो गार्ड सेल जब वाटर वो करता है, ऑब्जर्व करता है किसके ज़रिए, ऑस्मोसिस के ज़रिए। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, जब वाटर इसके अंदर एंटर होता है तो ये टारगेट हो जाता है। हमने चैप्टर में 4 में पढ़ा था ऑस्मोसिस के प्रोसेस में कि टारगेट क्या होता है, कि वो उसके जो है ना, उसकी जो शेप से वो दो बीन जैसी बन जाती है, जिसके जरिए ये जो साथ बना हुआ उस स्टोमेटा ओपन ऐसी बन जाती है कि जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब ये वाटर सारा ट्रांसपायर हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, तो ये जब व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर दे बिकम फ्लैसिड, दोबारा ये बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इनर साइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है गार्ड सेल्स की, और गार्ड सेल क्लोज हो जाते हैं। ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। आज का टॉपिक छोटा सा ही था। सो दैट्स ऑल, आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।